हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल चीनी कबूतर पर। तो आज हम दिखाएंगे आपको बाजी वाले कबूतर। तो आपको उनका शौक रहते हैं, हम किसी दोस्त के पास गए थे, उनके पास थे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो दो केज बनाए हुए थे, जिसमें नंबर एक नर और मादा अलग रखी हुई थी। सभी नर थे, आप भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे थे। तो आपको हम आगे दिखाते हैं मादा का केज। तो अब वीडियो में देखिए, ये सभी मादा हैं। अब हम दिखाएंगे ये सारे नर कबूतर, इनकी अलग वीडियो बनाई थी। तो आप देखकर बताना कि कैसे लगे, कमेंट करना। ये देखिए दोस्तों, इसमें सभी नर हैं, लगभग 10 से 15 के बीच में नर हैं। तो ये क्या होता है, बाजी से पहले सभी कबूतरों के पर निकाल दिए जाते हैं एक महीना पहले, तो जिसके साथ वो नए पंख आते हैं जो जोर ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये देखिए, सभी नर हैं इसलिए हैं ताकि कबूतर कोई ब्रीड ना करे, इसलिए ये नर और मादा अलग निकाल देते हैं। इससे हमें काफ़ी फायदा होता है कि कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं, नहीं तो वो उसका क्या होता है ना, विटामिनों की कमी हो जाती है ब्रीडिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसे इस भाई ने नर और मादा का अलग केज बनाया है। ये देखिए, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा लगभग सारे नर हैं। तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो ये दोस्तों देखिए, इन्होंने क्या था, कोई छोटी लकड़ के डंडे के टाइप से कुछ लगाया हुआ है केज में, जिसमें कबूतर आसानी से बैठ सकें। अब देखो, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। तो आपने दोस्तों सभी नर देख लिए होंगे। तो आओ चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अभी सारी मादा। तो देखिए दोस्तों, ये सभी मादा हैं और कुछ छोटे पट्ठे बच्चे हैं इसमें मिक्स हैं। आप देखिए, लगभग सभी कबूतरों के पर निकाले हुए हैं। ये वही लोग करते हैं जो कबूतरों को उड़ाते हैं, ये पंजाबी कबूतर हैं दोस्तों। अक्सर जब भी बाजी आती है गर्मियों में, हम कबूतर उड़ाते हैं। तो एक महीना पहले सभी दोस्त अपने कबूतरों के सभी पंख निकाल देते हैं। तो आप देखिए नर और मादा कैसे लगे आपको। हाँ, अगर आपने किसी ने लेना हुआ, वो सेल के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा, लेकिन डिलीवरी नहीं मिल सकेगी, आपको अर्जेंट जो जगह है ना, उस पर आके लेना पड़ेगा। तो आप देखिए, इन्होंने इस केज में भी डंडे जैसा कुछ लगाया हुआ है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे कबूतर। तो आपको हम दिखाएंगे अभी एक और सिस्टम, जैसे ये और भाई के कबूतर हैं, इन्होंने बच्चों को छतरी पे लगाने के लिए दो छतरी लगाई हुई हैं और एक जाल बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं, ये केज के आगे इन्होंने एक जाल लगा रखा है,
तो जिससे कबूतर को बैठने में काफ़ी आसानी हो जाती है, उसको पहचान हो जाती है कि ये हमारा घर है, तो आसानी से कबूतर अपना घर नहीं छोड़ता। अगर भाग भी गया तो एक दो दिन के बाद वो पक्का आ जाता है। ये कबूतर को घर पे पक्का करने के लिए सिस्टम लगाया गया है। अगर किसी भाई ने इसकी वीडियो देखनी है तो हम इसकी जाल की और छतरी बनाने का सभी तरीके की वीडियो बनाकर हम आगे पार्ट में डाल देंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो कबूतर छोड़े हैं तो आपको कैसे लिए, ये सभी बड़े जोड़े हैं, नर और मादा मिक्स हैं। ये देखिए, आप इसको इंजॉय कीजिए वीडियो को। हाँ, अगर सेल के लिए लेना हो कोई तो इनके पट्ठे मिल जाएंगे। तो आगे हम पट्ठों की एक फ़ोटो देंगे, तो आप उसको देख लेना। अगर आपको पता लगा तो हम अगली वीडियो में आपको प्राइस बता देंगे। हम आपको एक वीडियो और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कबूतर को गर्म कैसे करें, गर्म रखने का तरीका जो हम करते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आप दोस्तों इसी तरह हमें प्यार देते रहना, हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना। तो अभी देखो दोस्तों, जो इसमें पट्ठे दिख रहे हैं ना, तो इस वाली साइड पे दो, तो ये फोर सेल के लिए हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो अवेलेबल हैं, तो इनकी अलग फ़ोटो मैं दे देता हूँ, इसमें देख सकते हैं आप। दोनों पट्ठे हैं, बहुत ही शानदार हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं मिलेगी दोस्तों, आपको जगह पर आकर ही लेने पड़ेंगे।